हेलो फ्रेंड्स, मैं चैलेंज शेखावत। एसीडे के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक प्रोसेस टेम्परेचर कंट्रोलर या डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, ये काम किस तरह से करता है और इसकी हम वायरिंग किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं पैनल एसी में, ऑयल चीलर में, डीप फ्रीज़र में, चेस्ट फ्रीज़र में और बाकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर्स की एप्लीकेशन, बट ये काम कहाँ करता है और किस तरह से करता है ये हम देखेंगे। तो आपने स्प्लिट एसीज में देखा होगा कि एक पीसीबी लगा होता है, वहाँ पे वो पीसीबी आप अगर सेट पॉइंट, एक सेट पॉइंट रख दोगे तो उसमें टेम्परेचर आने के बाद वो कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है टेम्परेचर सेंस होने के बाद, और वैसे ही अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वापस वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग का काम करता है एक स्प्लिट एसी या विंडो एसी में, वो है उसका पीसीबी, और वो किसकी मदद से करता है, उसके सेंसर की मदद से और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की हुई है उसकी मदद से। वैसे ही हमारे जो डीप फ्रीज़र वगैरह है, जैसे पैनल एसी है, डीप फ्रीज़र है, ऑयल चीलर है, इन सब में जो डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये जो काम करता है वो है टेम्परेचर कंट्रोलिंग का। तो आप इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो और वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम है वो करेगा डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर। आपको एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा कि एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और वो किस तरह से काम करता है। अब हम करेंगे एक नए डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि उसके बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, और उसके बाद हम करेंगे उसकी वायरिंग। यह है एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर या डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर। तो देखते हैं इसके जो बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये एक सब जीरो कंपनी का है, ओके। और ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, मेड इन इंडिया है और इसका मॉडल नंबर लिखा है SZ7510T। अब इसे करेंगे ओपन, ओके। तो इसके ऊपर हमें दिख रहा है इसका एक मैनुअल है, ये मैनुअल में इसके सब डिटेल्स दिए हुए हैं। ये मैनुअल में एक आपको पीडीएफ फाइल, इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उस पीडीएफ फाइल में भी अच्छे तरीके से मैनुअल को पढ़ सकें, और उसके अंदर भी वायरिंग डायग्राम दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी सब वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं, ओके। और ये जो मैनुअल है इसका, इसमें अलग अलग मॉडल्स के वायरिंग डायग्राम दिए हुए हैं। और इसके बाद में एक ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, उसका जो सेंसर है ये वो है, ओके। तो ये सेंसर है, इस मेटालिक सेंसर है। इसके बाद है अंदर हमारा, ये देखिए मेटालिक है सेंसर, उसकी कुछ, और उसके बाद है ये हमारा डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर। तो देखिए, इसके ऊपर ही हमें वायरिंग दी हुई है और पोर्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके। तो ये एकदम इजी है वायरिंग करने में भी। अब हम इसके बाद में जो इसकी वायरिंग भी देखने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में पोर्ट दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से हमें वायरिंग कनेक्ट करनी है, और आप इजीली इसका जो साथ में एक मैनुअल दिया हुआ है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए सब जीरो लिखा हुआ है, और ये एक टच पैनल दिया हुआ है इसमें, इसमें बटन्स नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें दो ये फिटिंग्स के लिए दिए हुए हैं, पैनल में फिट होने के लिए, जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके साइड में ये लग जाएंगे और जो पैनल है उसमें फिट हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी दोस्तों इसकी वायरिंग। इस बोर्ड पे हमने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक पैनल कूलर के, ऑयल चीलर के, डीप फ्रीजर के, इसमें हमने सब बना दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर कंट्रोलर है जो हमें कनेक्ट करना है, ये कंप्रेसर है, कंडेंसर फैन है और इवोपरेटर फैन है। अगर वो पैनल कूलर है तो इवोपरेटर फैन, अगर चिलर है तो इवोपरेटर पंप। तो ये मेन कंपोनेंट्स है, और उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास फेज है और न्यूट्रल है। तो अब हम देखेंगे कि ये फेज न्यूट्रल से ये सब चीज़ों को किस तरह से हम वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर में, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पोर्ट दिया हुआ है और दो नंबर पोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद में तीन और पाँच के बीच में हमें सप्लाई लगानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर में सप्लाई। सिक्स नंबर पे एनसी दिया है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। सात नंबर पे लिखा है कंप्रेसर, तो यहाँ से हमारा जो जाएगा वो जाएगा कंप्रेसर को। और एट पे लिखा है कॉमन।
तो इसकी जो हम वायरिंग है कुछ इस तरह से करेंगे। तो देखिए अभी जो प्रोब हमें साथ में मिला है वो हम बीच में यहाँ पे एक और दो नंबर से दो प्रोब कनेक्ट कर देंगे हम। ओके तो हमारा जो ये प्रोब है कनेक्ट हो गया। तो ये प्रोब लगाते वक्त आपको देखने की जरूरत नहीं है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, प्रोब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कौन से भी वायर कौन से भी पोर्ट में चल जाती है। उसके बाद आती है हमारी फेज और न्यूट्रल की बारी, जो हमें सप्लाई 220 वोल्ट की देनी है। तो ये देते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसकी जो वर्किंग वोल्ट है वो है 220 वोल्ट। अगर वो 24 वोल्ट या 12 वोल्ट होगी तो आपको यहाँ पे 24 या 12 वोल्ट देनी पड़ेगी तीन और पाँच नंबर में। तो अभी ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो अब हम इसे 220 वोल्ट देंगे। हमारे पास यहाँ फेज और न्यूट्रल है तो इसे भी हम लगाते हो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि आपको फेज तीन में ही लगानी है या फेज पांच में लगानी है। तो हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने फेज कनेक्ट कर दिए, इसके बाद में हम जो न्यूट्रल है वो पांच नंबर से लेके जाके ये देखिए हमने जंप किया और ये न्यूट्रल में कनेक्ट कर दी। ओके तो अभी हमारी जो कंट्रोलर है इसको वर्किंग के लिए 220 वोल्ट मिल गया है और यहाँ पे जो प्रोब है ये हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दी है। ओके इसके बाद हमारी जो बस्ती है एनसी कंप्रेसर और कॉमन टर्मिनल, जो सी लिखा हुआ है ये कॉमन टर्मिनल है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने सब जो भी कॉम्पोनेंट है इनको डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे यहाँ से। ये देखिए अभी न्यूट्रल जंपिंग मार के हमने इसे न्यूट्रल दे दी। और लास्ट में हम इवोपरेटर फैन को न्यूट्रल दे देंगे। और एक बात याद रखिए कि इवोपरेटर फैन और इवोपरेटर पंप जो सिस्टम में है वो हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है, ये कट ऑफ नहीं होता कंप्रेसर के साथ। जैसे कि हमारा जो कंडेंसर फैन है ये कट ऑफ और कट इन होता है कंप्रेसर के साथ में, इसकी वायर कनेक्टेड होती है। तो ये कंप्रेसर जब भी बंद होगा तो कंडेंसर फैन भी बंद हो जाएगा। ओके तो अब देखिए इसे हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमें कंटिन्यूस ऑन चाहिए। तो जैसे ही हमारी सप्लाई आएगी हमारा जो इवोपरेटर फैन है और पंप है वो चालू हो जाएगा और उसके साथ चालू हो जाएगा हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। ओके ये जो दो चीज़ है ये हमेशा कंटिन्यूस हमारे सप्लाई में चाहिए। ये देखिए हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ओके इसके बाद हमें करनी है कंप्रेसर की वायरिंग और कंडेंसर फैन की वायरिंग। तो आपने देखा कॉमन टर्मिनल एक हमें दिया हुआ है। ओके और हमने कंडेंसर फैन मोटर को और जो कंप्रेसर मोटर है दोनों में हमने सप्लाई देनी है, तो वो कुछ इस तरह से देंगे। तो आप ये जो तीन नंबर पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे भी सप्लाई हुई है और हमारी यहाँ पे भी सप्लाई है, तो आप या तो यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से देंगे। अगर आपकी जो कंप्रेसर की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज है दोनों में डिफरेंस है तो आपको यहाँ से देनी होगी, जो आपके पावर सोर्स है वहाँ से देना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए ये जो कॉमन टर्मिनल है ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ओके इस तरह से। ओके तो अब हमारी जो फेज है वो कॉमन टर्मिनल में आ गई, आप देख सकते हैं कॉमन टर्मिनल के अंदर आने के बाद हमारी जो फेज है वो कुछ इस तरह से जाएगी। अभी ये जो फेज है ये कॉमन टर्मिनल में आ चुकी है और यहाँ से जो फेज निकलेगी सात नंबर से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सेवन से निकलेगी और वो हमारे कॉम्प्रेसर में जाएगी और यही कॉम्प्रेसर से आके हमारे आगे कंडेंसर फैन मोटर में जाएगी। तो अब होगा क्या, जब हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है ओके जब ये सेंस करेगा कि आपको टेम्परेचर चाहिए आपका कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए उस टाइम क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट जो देख रहे हैं अभी एनसी में क्लोज कनेक्टेड है ये निकल के इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये जो फेज है ये आठ नंबर में जाएगी, आठ नंबर से सात नंबर में जाएगी और सात नंबर से हमारे कंप्रेसर और जो कंडेंसर फैन है उसे चालू कर देगी। और जैसे हमारे जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये सेंस करेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है, आपको कंप्रेसर चलाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा ये जो सात नंबर में आया है
ये चला जाएगा हमारा 6 नंबर में। ओके, तो इस तरह से जो हमारे कंप्रेसर है इसकी जो फेज है वो चली गई। अभी है जो यहाँ पे कंप्रेसर है और कंडेंसर है, इसको फेज नहीं जा रही है, तो ये कंप्रेसर और कंडेंसर फैन है जो बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक टेम्परेचर कंट्रोलर की वायरिंग डायग्राम। अगर आपको ये वायरिंग डायग्राम पसंद आई है तो प्लीज़ इस वायरिंग डायग्राम के जो वीडियो है इसे लाइक कीजिए, और आपकी जो भी कमेंट्स है इस कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।